आपको पता है कल हम गए थे छत वाले काम में ऊपर, लेकिन वहां पर थी नहीं लाइट, कट लगा हुआ था पूरे दिन का। जब हमने फोन किया बिजली वालों को तो उन्होंने बताया कि कट लगा हुआ तो लाइट आएगी शाम को। तो उस चक्कर में फिर हम चले गए मरंडा में, वहां पर एक बननी थी मोंटी, तो वहां पर चले गए। वैसे वो काम तो था हमें रखा हुआ पेंडिंग कि चलो बीच में निकाल देंगे, लेकिन लाइट चली गई। उस चक्कर में फिर हमने फिर उनसे बात की, मान आते आते 11:30-12 बजे के तरफ का फेसिल करने बचा हुआ है, बाकी शीटें डालने वाला काम बचा हुआ उसको करते कंप्लीट चल के। कल बारिश के चक्कर में सारा काम रुक गया था और आज फेसी वाले जो कागज वाला काम है और करते कंप्लीट कर ले और फिर डालेंगे इसके ऊपर शीट। तो ये वाली शीट आई थी हमारे जिंदल फोरम की, क्योंकि ये तो चलो टेम्परेरी स्ट्रक्चर, अगर जो छत का काम होता तो मैं भाई सिर्फ टाटा को ही प्रेफर करता या JSW को। तो ये हमारा पेशी बचा हुआ, पीछे वाले पेशी बचे दो, एक तो ये और ये, और ये लगने पेशी हमारे यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा यार, एक तो पानी के चक्कर में हम तो लेकर बड़ा कोक इसे काम चला रहे हैं। अब क्या करें, अब ये शीट डालने से लिए पहले मंडल लगाना पड़ेगा फीसिया और फिर डलेगी शीट लगाने। ऐसी तुम्हारे बिल्कुल तैयार है, ये वाले दो फीसिए लिए तुमने। अब एक शीट बची हुई है वो वाली और एक शीट बची हुई है वाली, ये डालकर और फिर डालेंगे टॉप रेंज। सुबह के टाइम जो बारिश उस चक्कर में सारा पानी भर गया अंदर। पहले यहाँ पर बनी थी स्लोप में, एक तरफ को देनी शीट सारी नीचे की ओर, लेकिन बाद में हमने किया कि दो पॉइंट में कर दिया दो तरफ में। अब इस चक्कर में ये पीछे वाले पैर उठा दिए इस लेवल में और एक लेवल हो गया सारा, बाकी ईंट के साथ कवर कर देंगे पूरा ये वाला। छत वाला काम ये हो गया हमारा कंप्लीट, और बाकी नीचे वाले पीछे बचे में लगाने के लिए इस तरफ और लगाने के बचे इस तरफ। यहाँ फेसिंग में लगने नीचे स्क्रू लगने बच्चे की पेंट शर्ट है काम के, और वो भी लेके आना पड़ेंगे, तो वहाँ से फिर स्क्रू ले लेंगे, साथ में खाना भी खा के आते हैं घर से। मुझे घर पर पहले पीते ठंडा पानी भाई, सादा जो पानी पिया ना ग्लास में भाई तसल्ली हो गई, लेकिन अपने खाना आ गया। साथ में भाई पुदीने की चटनी है तीखी भाई, मिर्ची इसमें काफी डल गई है, साथ में लेंगे थोड़ा सा प्याज। बचपन उनके ये वाले लग नहीं रहे थे, जैसे लेके आने पर ये वाले फैसले में उनके, अब ये लगे नीचे वाले फैसले। फाइनली वो हमारा काम कंप्लीट, फाइनली हो गया जी सारा काम कंप्लीट। चलते हैं काम पर। तो फाइनली पहुंच गए थे हम यहाँ पर, वो वेल्डिंग करने के बाद पिलर, और एक तुमने बनाया था उस दिन ये वाला, यहाँ पर बनेगा ये वाली पहली बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर सामने आएगी खिड़की, और एक उन्होंने बोला हुआ था कि यहाँ पर अपना ओपन एरिया, तो यहाँ पर बनेगा बिल्कुल ओपन एरिया। इसमें पिलर लगाए गए हैं 4x4 के, अभी एक पिलर यहाँ पर हो रहेगा और बीच में दी गई है ये कैंची इस तरह से ऊपर की ओर उठाकर, ताकि काफ़ी जगह इनको खुले मिल जाए। और तो ये इनका बनेगा पूरा ओपन एरिया बनेगा ये वाला यहाँ पर। मौसम ऊपर ख़राब तो उस चक्कर में बेल्ट कर दी यहाँ पर कवर। तो चलते हैं खाना खाने घर पर। बाकी इसमें पिलर दिए गए हैं सारे 4x4 के ये वाले, और सारा पाइप लगा हुआ है टाटा। और अब हमारा इस तरफ वाला स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है ये वाला भी, अब इसका माल हुआ थोड़ा कम तो माल आएगा तो फिर इसमें भर जाएंगे ये वाले पर्लिन वगैरह। और बाकी अब हमारे पास सिर्फ बचे हुए हैं 5 पर्लिन हमारे पास, एक बची हुई इस तरफ वाला बनाने के लिए। सामान जो कम हुआ है वो मंडे को आएगा, सैटरडे है तो उसको मंगवाएंगे सोमवार को, और उससे पहले हम कर लेंगे फिर अपना जितना हमारा काम हो गया इसका फेसिया नीचे बनाना कर देंगे शुरू। तो जो हमने लगाए थे वो सामने ग्लास वाले लेंगे ये वाले, इनके घर के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर इनको दिया था एस्टिमेट, तो इनसे बात करेंगे और यहाँ पर लगवाए छत का काम। तो ये वाला तो अंदर से इतना स्पेस का यूजफुल होने वाला जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब जैसे कि आपको पता था कि यहाँ पर आएगी इनकी सीढ़ी, यहाँ से बनेगी सीढ़ी। कौन से आएगी सीढ़ी की यहाँ पर, यहाँ से बंदा अंदर आएगा और आगे तक पूरा कमरा यूज़ होने वाला ये वाला सारा कमरा, ये जहाँ से लेकर वहाँ तक इसका डिस्टेंस 14.5 फुट है, तो ये पूरा हाइट ऊपर तक 9 फुट है यूज़ करने वाली यहाँ तक, ये पूरे का रूम बन गया। तो इसी तरह यहाँ पर ये वाला आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आएगी दीवार और सामने लगेगा दरवाज़ा, और इसके बाहर जिनका ओपन सारा बन जाएगा ये वाला।
बाकी जो बचा हुआ काम है जो परलिन बचे हुए हैं चार परलिन का लेंटर डलवाने से ये फायदा होगा क्योंकि पूरा यूज होने वाला एरिया है सारा ये लेंटर जितना भी है वेट फॉल्सलिंग करते हैं तो इसके ऊपर बिल्कुल यूज होने वाला कुछ भी नहीं था। अब जो पूरा इसको यूज कर सकते हैं लेंटर का। अब छत में कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्लान पर होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मौके पर देखने पड़ते हैं कि यार ऐसे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब एक हम बना रहे थे ट्रायंगल यहाँ पर लेकिन इस खिड़की को डिस्टेंस जो काफ़ी दूर है यहाँ से बीच में इनका बाथरूम है बीच में तो इसका जो सेंटर है हमारा आ रहा है यहाँ पर और इस खिड़की की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है आगे की ओर। तो हमने ये वाली जो गेबल है वो कैंसिल कर दी है ये वाली गेबल बन रही थी हमने रखे पर लेना आगे बढ़ा कर ये वाले तो यहाँ पर जो कैंसिल कर दी है और हमारी यहाँ पर जीरो हो रही है ये वाली और ऐसे करके सेंटर वहाँ से चल रहा है। अब इसको छोड़ देंगे और ये वाली खिड़की बिल्कुल साइड पे है तो यहाँ से सेंटर ले लेंगे हम खिड़की का। अब ये तो कंप्लीट हो गया क्लियर हो गया। अब एक इस तरफ का पॉइंट है ये वाला तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाली छत के साथ इसको ये वाला और आगे वाला कंप्लीट कर दें लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है आगे की जो कि किचन की खिड़की ये विंडो है यहाँ से देखो वो देखो ये परलिन कहाँ तक कर रहा है ये परलिन पूरा कवर कर रहा है खिड़की का वेंटिलेटर तक। अब हमने कोशिश तो की लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं हो रहा काफ़ी लंबा आगे तक जा रहा है और ये खिड़की काफ़ी कवर हो रही है ये वाली। अब प्लान टू पे चलना पड़ेगा और भाई बाहर धूप तगड़े वाली है तो फाइनली हमारा ये वाला तुम्हारे जैसे सोच रहे थे हम करने के लिए आगे की ओर लेकिन भाई उससे चक्कर क्या हो रहा कि जो खिड़की है किचन की वो सारी कवर पर हो रही है इसके चक्कर में तो यहाँ पर अब नीचे में बी शेप में ही गेबल के इस तरह से गेबल में ही बनाएंगे नीचे एक्सटेंशन और इसको छोड़ दिया और आगे तुम्हारे ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर हमारी बनेगी इस तरह से गेबल ये इस तरह से बनाई गई यहाँ पर पहुँच यहाँ पर ले लेंगे शीट इस तरह से कट लगा दिया ये वाला और यहाँ से सीधा कर देंगे ऊपर। तो वो चलते हैं खाना खाने घर पर पहले और अभी टाइम हो गया लगभग 1:30 बज गया। फाइनली पहुँच गए घर पर और भाई पड़े हुए हम मतलब चढ़ाने खत्ते कर ले तो निंजा ही पहुँच गया स्कूल से भाई आ गया निंजा भी मैं कौन सा है मेरे तो फेवरेट भाई आम है ये वाली छत हमने डाली थी लगभग कोई 4-3 साल पहले डालती हमने ये वाली छत जो सामने वाली छत भी और बाकी अब इसकी ग्लास क्लीनिंग गए थे भी पिछले हमने लगभग 1.5 महीने पहले जो ग्लास क्लीनिंग लगाई थी इसका हमने वीडियो भी देखा होगा और बाकी अब वो वाला करेंगे बाद में गेबल वाला भी करते हैं ये वाला पॉइंट वाला काम कम्प्लीट यहाँ से यहाँ तक आएगी छत हमारी ये वाली यहाँ तक आएगी और यहाँ से हाइट देखो भाई आगे से गर्मी गर्मी कर रहे थे और बारिश भी हो गई शुरू तो भाई साहब जब कर दिया हमने कंप्लीट इसको पैक कर दिया बिल्कुल। अब इसके बीच में ये सारा बेल्डिंग सेट और कटर वगैरह जितना भी टूल सारा इसके अंदर ही है बढ़िया से कर दिया इसको पैक कर घर पर और भाई लाइट नहीं है इन्वर्टर रखा हुआ बंद फिलहाल लाइट जलाई हुई सिर्फ एक किचन की सुनने में ये है कि ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो किसी ने निकाल लिए शायद वो चोरी कर ली। अब यही बोला और लाइट शायद आज नहीं आएगी लाइट आएगी शायद कल तो अभी टाइम हो गया 8 बज गए लगभग और बाहर जो बारिश लग रही थी तब कब से लगी थी बारिश शाम को तो हमने सामान उठाया छत वाले काम से तो फैलने लगी बार बारिश तो अब जाके हुई बारिश शुरू तब शाम को हम जब काम कर रहे थे तब भी बारिश शुरू हो गई इस चक्कर में हमें सामान उठाना पड़ा सारा और अब जाके फाइनली होगी बारिश शुरू। अब इन्वर्टर का भी एक कमरे में सिर्फ किचन में लाइट जलाई हुई है बाकी जो इन्वर्टर है वो काफ़ी टाइम निकाल जाए यहाँ पर चला हुआ इन्वर्टर